बेरमो से कांग्रेस के विधायक अनूप सिंह ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। आप सभी को पता है कि उन्हें ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया था और नोटिस भेजने के बाद ये आप देखिए अनूप सिंह ईडी कार्यालय पहुंचे हैं और ये बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के तीन विधायक कोलकाता में कैश के साथ गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद ये अरगोड़ा थाना में जीरो FIR दर्ज कराए थे और जीरो FIR दर्ज करने के बाद जो है उन्हें पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से समन किया गया था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं ईडी कार्यालय के अंदर से कि किस तरह से अनूप सिंह जो है अब ईडी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं, उनसे यहां पर पूछताछ होगी। इससे पहले कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है लेकिन कैश कांड के मामले में अनूप सिंह से पूछताछ होगी क्योंकि अनूप सिंह ही शिकायत करता थे। उन्होंने ही रांची के अरगोड़ा थाना में जीरो FIR दर्ज कराया था और इन्हीं के शिकायत के बाद ये जांच जो है कोलकाता में बंगाल में शुरू हुई थी और वहां से जांच शुरू होने के बाद ईडी ने इस केस को टेकओवर कर लिया था और आज ईडी कार्यालय अनूप सिंह पहुंचे हैं। उनसे पूछताछ की जाएगी कि किस तरह से उनको जानकारी मिली थी, उनके पास क्या कुछ प्रमाण है, इस मामले में पूछताछ होगी। बाहर आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में सुरक्षा बल को जो है तैनात किया गया है। इससे अंदर किसी भी मीडिया कर्मियों को जाने की इजाज़त नहीं थी। आप देखिए काफ़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी यहां पर आज पहुंचे हैं। चूँकि जब से ये खबर निकलकर सामने आई थी कि अनूप सिंह से ईडी कार्यालय में पूछताछ होगी, उसके बाद से ही इस पर सबकी नज़र बनी थी कि क्या अनूप सिंह ईडी कार्यालय पहुँचेंगे या फिर नहीं पहुँचेंगे। लेकिन अनूप सिंह यहाँ पर पहुँच गए। 11:20 का समय जो है उन्हें दिया गया था और ठीक 11:20 पर वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और ईडी कार्यालय के बाहर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है भारी जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है लगाया गया है। अब यही कयास लगाया जा रहा है कि शायद दिन भर यहाँ पर ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ होगी और उसके बाद शाम को हो सकता है कि अनूप सिंह बाहर निकलें। हालांकि जब वो यहाँ पर पहुँचे तो मीडियाकर्मी कोशिश किए कि उनसे बातचीत हो सके लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और सीधे वो ईडी कार्यालय के अंदर चले गए। और यही ईडी कार्यालय है रांची के हीनू में एयरपोर्ट रोड में, आप देख सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर अनूप सिंह से जो है पूछताछ चल रही है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं और ईडी कार्यालय के बाहर देखिए किस तरह से रैफ के जवानों की तैनाती जो है यहाँ पर की गई है ताकि कहीं से कोई सुरक्षा व्यवस्था की जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं हो। तो ईडी के जो पदाधिकारी हैं वह सुबह ही यहाँ पर पहुँच चुके थे और वो इंतज़ार कर रहे थे अनूप सिंह के पहुँचने का। हालांकि यहाँ पर जो है ईडी के पदाधिकारी वो हर दिन रहते हैं, हर दिन किसी न किसी से जो है पूछताछ यहाँ पर चल ही रही है और आज अनूप सिंह से पूछताछ होगी। इस पूछताछ में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है यह अब शाम के बाद ही पता चल पाएगा। तो देखिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी अनूप सिंह के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप लोग क्या यहाँ आए थे, साथ में आए थे? देखिए अनूप सिंह जी पूर्व में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके कमेटी में हम लोग थे। तो पूरा कांग्रेस, आप आवाज़ जाएंगे तो 1000 से ऊपर वर्कर उनके आवाज़ में बैठा है। वो तो उन्होंने अपील किया कि कोई यहाँ आएगा नहीं, वो अपना धर्म निभा रहे हैं और वर्कर अपना धर्म निभा रहे हैं पार्टी के। तो उनके साथ खड़ा है पूरा पार्टी, ये विश्वास है उनको और उनके साथ खड़ा है, जिसका आप आवाज़ जाके देखें कि पूरे वर्कर दिख रहा है। तो अनूप सिंह जी अपना ईडी ने बुलाया, आज वो आए हैं, वो अपना अंदर कार्य कर रहे, वर्कर अपना काम कर रहा। तो आप लोग दिन भर यहीं रहिएगा? हम लोग कार्यालय के दूर में रहेंगे जब तक माननीय विधायक नहीं निकलेंगे। आवास में भी लोग रहेंगे और यहाँ भी रहेंगे। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in like share and subscribe www